तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो यार थोड़ा सा अलग टाइप का है। मतलब स्ट्रैटेजी नहीं है या कोई प्लानिंग नहीं है। देखो यार, एक चीज ध्यान रखो, ठीक है? अब लास्ट स्ट्रेस जो है शुरू हो चुके। लास्ट स्ट्रेस मतलब क्या भाई, कि एक होता है, देखो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, दो चीज़ हो सकती है। स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो, कभी थोड़ा मोमेंटम ऊपर गया, कभी नीचे आया, प्रॉपरली पढ़ाई नहीं हुई है। कुछ बच्चे जिनकी प्रॉपरली पढ़ाई हो चुकी है, जिन ऐसे भी जिनकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है। लेकिन ध्यान रखना यार, जो लास्ट स्ट्रेस है, ठीक है, जो फाइनल रेस होती है, ये सबको दौड़नी ही पड़ती है उससे डबल जोश से जितने स्टार्टिंग से दौड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ तो स्टार्टिंग से ही तेज दौड़ रहे थे, उनको अभी और तेज दौड़ना पड़ेगा। जो धीरे दौड़ रहे थे उनको तो और ज़्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बाकी लोगों से कम्पीट कर पाए। आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इट्स नाउ और नेवर, ठीक है। अभी करोगे तो आपको फल मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज पूछना, इतना दिमाग खुद लगाओ कि मेरे लिए क्या चीज सही है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिंपल चीज रखो, द कॉम्प्लेक्स मत करो। इसमें चैप्टर कौन कौन से बचे हुए और मैं कौन सा क्रैश कोर्स फॉलो करूंगा। अगर मैं चैप्टर बहुत कम बचे हुए, अगर ठीक ठाक चैप्टर हो चुके हैं, तो मैं कहां से कुछ वीकनेस अपने पूरे करूंगा। बस ये खुद दिमाग लगाओ यार, खुद दिमाग लगाओ, ठीक है। सर्च करो सोर्सेस के लिए, ठीक है, सोर्सेस के लिए खुद सर्च करो, तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। कहाँ से मैं क्वेश्चन लगाऊ, जैसे कि बायो के क्वेश्चन तो आते ही है, पता ही आपको, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बायो सारी मेरे क्वेश्चन से आ जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, ठीक है। आज से आपका नया सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है, विश्वास सीरीज, उसमें आपका पूरा का पूरा सारे यूनिट वाइज क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, रोज 100 क्वेश्चन, तो वहां पे आपको सफिशियंट रहेगा। केमिस्ट्री मैं आपको दे रहा हूँ, फिजिक्स आपको दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको पीडीएफ का हमें फ्री सारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब देखो यार, ध्यान रखना ये चीज कि अब आपका ये फाइनल लैब जो है, ठीक है, ये आपको एक तो बहुत ऊपर उठाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना यार, ये बहाने मत लगाओ लास्ट में कि यार भैया अब मन नहीं करता, कोई रिलेटिव ये बोल दिया, अब मेरे को डर लग रहा है कि रिजल्ट नहीं है रिलेटिव का। देखो ध्यान रखना एक चीज, गोल्डन टिप दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो आपको कम से कम 100 रिश्तेदार फोन करेंगे उस दिन पे कि भैया रिजल्ट क्या आया, कितना स्कोर आया, क्या आया, सिलेक्शन हुआ, कितना आया, क्या आया, क्या नहीं आया, 100 रिश्तेदार फोन करेंगे, ठीक है। और अगर रिजल्ट अच्छा आ गया, ठीक है, आपको खुद से एक भी सामने से फोन नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। देखो रिश्तेदारों को, मोस्टली सब लोगों को पता लग जाता है कि भाई इस बंदे ने फोड़ दिया है, ठीक है। अब वो फोन नहीं करेंगे खुद से, आपको फोन करना पड़ेगा कि रिजल्ट आ गया अंकल, नंबर इतने आ गए, ठीक है। और अगर ये चीज ना होती, अगर रिजल्ट आपका खराब आता है, तो भी लोग बदल जाते कि भाई उनको पता है कि इसका रिजल्ट खराब आया, अब हम लोग फोन करेंगे, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको। मैं बोल रहा हूँ आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट आपके पेरेंट्स, ठीक है, किसी से फर्क नहीं पड़ता। आपको कितना ही क्लोज आपका, अगर भाई भी आपको बोल रहा है कि आपका नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पेरेंट्स भी इसमें बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं वो पर्सनल कह रहा हूँ कि मेरे खुद के पेरेंट्स, कई पेरेंट्स मेरे, मैं तो आपको पता है कि मैं सब कैसे चीजें कर रहा था, ठीक है, मैं कैसे अलग अलग कोर्स कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मतलब कैसे कोर्स कर रहा था, तो मेरे पेरेंट्स बताते थे भाई ये बंदा जो है ये पढ़ता तो इतना है नहीं, मतलब पढ़ता है लेकिन इसको और भी चीजें करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करनी है, तो ये शायद से नहीं कर पाए करेक्ट, ठीक है। लगता था, सबको लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि भाई ठीक ठाक स्कोर आ रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है, ट्राई तो कर रहा है लेकिन लगता है, ठीक है। तो ये नहीं कि यार पेरेंट्स गलत है, यहाँ पे पेरेंट्स सही है, ठीक है, उनको बोलने दो, जो बोल रहे हैं बोलने दो आपको, उनको अगर वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं भाई तू नहीं कर पाएगा, लगता नहीं तेरा स्कोर देखे तो हो पाएगा, ठीक है, बोल दो कि यार आप खुद सोचो, ठीक है, वो क्यों बोल रहे हैं, आपका स्कोर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप स्कोर ला देते तो नहीं बोलते, ठीक है, उसके लिए कई लोग कॉपी करते लेकिन वो मतलब नहीं है, तो जो बोल रहे हैं उनको सुन लो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको दो तीन चीजें उनमें नहीं सीखने मिलेगी कि यार हाँ भाई सच में, खुद एनालाइज करो कि यार जो लोग बोल रहे हैं सिर्फ ताना मार रहे हैं या कुछ उसमें होता है। ध्यान रखना दो तीन चीजें आप सीखोगे, और वो सीखना अप्लाई करना, सीखना अप्लाई करना, और दो महीने बाद देखोगे तो जब आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा, अगर उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि सिलेक्शन नहीं होगा, आपने सिलेक्शन कर दिखा है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो आप जीत जाओगे, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया MBBS ही सब कुछ है, नहीं, अदर कोर्सेज भी काफी अच्छे हैं, उनमें भी काफी आप कर सकते हो अगर आपके अंदर पैशन है और आपके अंदर जिद है। लेकिन ध्यान रखना कि आपने स्टार्टिंग में एम किया था, क्या एम किया था आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डे एम किया था कि मुझे BSc करनी है, ठीक है, बहुत कम होंगे, बहुत कम। कितने से लोग जिन्होंने स्टार्टिंग डे एम किया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ BDS सीट चाहिए, नहीं, या फिर आपके दिल से कहीं इच्छा ही नहीं MBBS करने की, ठीक है। दो तीन चीज हो सकती है, इच्छा नहीं भी है तो भी एक सपना है कि भाई पेरेंट्स के लिए करना MBBS,
बस ठीक है, वो दिन याद करो कि भाई करना है। दो तीन चीजें होंगी इससे, एक चीज आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, सेकेंड चीज एमबीबीएस मिलकर जो कॉन्फिडेंस होगा जिंदगी भर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा ठीक है, क्योंकि आपने एक बड़ी एग्जाम क्रैक कर ली है। अब लाइफ में आप कई सारी चीजें एक्स्ट्रा ट्राई करोगे और बहुत सारी चीजें क्रैक करोगे ठीक है, तो ये स्टेप ट्राई करना है कि कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखो, चाहे कोई कुछ भी बोले घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दो महीने आपके पास है। अगर आप किसी के बोलने से अपना एक घंटा भी वेस्ट करते हो ना ठीक है, एक घंटा वेस्ट करते हो सिर्फ खत्म ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया और आपने वो चीज समझ में बिठा ली, यार इसने ऐसा बोल दिया, तो मेरा क्लोज फ्रेंड था, रिलेटिव था, इसने तो बोल दिया नहीं निकलेगा, आप क्या होगा, मेरा तो स्कोर कम आ रहा है। अगर आपने ये सोचने में एक घंटा निकाल दिया, आपसे हजारों लोग पीछे बैठे खड़े ठीक है, जो आपसे आगे निकल जाएंगे, खत्म ठीक है, गेम खत्म। आपको हर एक घंटा काउंट करेगा ठीक है। रात को नींद नहीं आ रही है, बेड में पड़े हुए हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, मैं आपको कह दूं भाई मैं इंस्टाग्राम चलाता भी हूँ तो कभी भी बेड पे बैठ के मेरा लास्ट काम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना नहीं होता। अगर मैं वीडियो देखता भी हूँ ठीक है, वो भी मेरी प्रोडक्टिव वीडियो होती है, या फिर कोई आपका कह सकते हो कि यार कोई चीज सीख रहा होता हो ठीक है, जियो पॉलिटिक्स कुछ भी सीख रहा होता, तो वो चीज ना कुछ भी रात को सीखो, ब्रेन को उस मोड में रखो, पढ़ाई के मोड से निकालो मत। होता क्या, बच्चों को लगता है कि हम लोग 10 घंटे पढ़ेंगे, फिर 8 घंटे एंजॉय करेंगे, फिर 8 घंटे सोएंगे ठीक है, 18 घंटे मतलब वही है जो भी है, ऐसा नहीं होता है ठीक है। अगर आपको 10 घंटे पढ़ना है तो आपको 24/7 पढ़ाई के मोड में रहना पड़ेगा। वॉट इज पढ़ाई का मोड, कि आप एंजॉय भी कर रहे हो ठीक है, दूसरों से बात कर रहे हो, घूम रहे हो, ये कर रहे हो, तो भी आपका वो चाहिए यार कि हाँ अब ये टाइम आ चुका पढ़ने का, कल ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन करने को, मतलब मोड चाहिए पूरा। होगा क्या इस मोड से कि आप प्रॉपरली पढ़ पाओगे, अगर आपके पास ये माहौल नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, तो आप एक दिन पढ़ोगे सेकेंड डे खत्म ठीक है, सेकेंड डे आपको किताबें बाजू में दिखेंगी, आप कुछ नहीं पढ़ोगे ठीक है। तो ये फाइनल लैप पे पूरा जोर लगा दो, जोर जितना भी है लगा दो ठीक है, बाद में 1% रिग्रेट ना हो। जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं कि भैया आपने थोड़ा और मेहनत कर ली होती तो शायद आपको नहीं लगता कि आपको एम्स दिल्ली मिल जाता, 4 क्वेश्चन तो बात की, 4 से 5 क्वेश्चन की बात थी ठीक है। मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे को रिग्रेट बिल्कुल नहीं है इस चीज़ का, बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने अपना 110% लगा दिया था वो एग्जाम डे पे। मैंने हो सकता मेरे जिन्होंने अच्छे नंबर लिए उन्होंने ज़्यादा पढ़ा होगा, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे ठीक है, खुद से जो मेरा ड्रीम था वो मैंने ला दिया था खत्म ठीक है। आपका जो है एक्सपेक्टेशन वो आप लाइए। अब मुझे पता सबका एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं अंदर से कि मुझे गवर्नमेंट सीट चाहिए MBBS के लिए, ताकि मैं MBBS कर पाऊँ, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर पाऊँ, खुद का सपना पूरा कर पाऊँ, और कहीं ना कहीं एक अच्छे राह पे चलूँ ठीक है। एक कॉन्फिडेंस मिलेगा लाइफ में, को कुछ भी करना हो, कुछ भी पैशन आपका हो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए, वो आपको यहाँ से मिलेगा ठीक है। चलो अब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आज शाम से नई सीरीज स्टार्ट हुई है, सब लोग ज्वाइन कर लो सीरीज के अंदर, आपका लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ है, सर्च कर लो अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल मिल जाएगा। चलो बाय बाय, जान लगा दो, लास्ट लैप है, लास्ट रेस है, और इस समय पूरा पूरा फोकस कर दो नीट क्रैक करने पे। चलो बाय बाय।